हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एम एल परमार। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपना दोस्तों? दर ज्ञात करनी है 5 वर्ष में, है ना, 8 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो अपना दर, अब यहाँ पे दर ये परसेंटेज में लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, साधारण ब्याज होता है तो दोस्तों कोई धन 8 गुना होता है, यानी कि अपने आप में मूलधन कितना है? 1 रुपया है, तो 1 से कितना बढ़ रहा है? 8 गुना बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों आपको? 7 रुपये मिल रहा है। कितने रुपये मिल रहा है? 7 रुपये मिल रहा। जब आपको दर निकालनी है तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन आपका 1 रुपया है, और समय आपका 5 वर्ष है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 7 14, 140% आपकी दर हो जाएगी। सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कोई धन 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आप सामने, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, यानी कि कितना बड़ा? 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3000 में से 1 घटाए तो 100 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? बट्टा इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा दोस्तों 50 रुपये। 1 वर्ष का 50 रुपये, तो 8 वर्ष का 50 × 8, 5 × 8 = 40, 400 रुपये। 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, और ये है मिश्रधन। तो इस मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन बराबर मिश्रधन कितना आपका? 2900 - 400 घटाएं तो 2500 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। अब आपको निकालना दोस्तों दर प्रतिशत। जब मूलधन पूछे आपसे तो इस तरह से मूलधन निकाल सकते हो, पर लेकिन यह पूछे आपसे दर, तो दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना आपका? 400, ब्याज गुणित 100 बट्टा मूलधन कितना? 2500, और समय, समय आपका कितना? 8 वर्ष है, क्योंकि 8 वर्ष पे अपनों ने 400 पे ब्याज निकाला है। अब काटेंगे दोस्तों, 2 सिफर से 2 सिफर कट गई, 25 × 100, 4 × 4 = 8, 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 2% आपकी दर आ गई। तो ये ऑप्शन अपना मैच कर गया, ये ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब इसमें चार ऑप्शन आप सामने, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो इसके लिए कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए, तो 2 गुना मतलब आपके पास 1 रुपया है, 1 से 2 बन रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 1 रुपये का मिल रहा। अब आपको निकालनी दर, तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन आपका 1 रुपये है, और समय आपके पास 8 वर्ष है, तो 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, और 4 × 2 = 8 = 4×5 = 20, यानी कि 25/2, 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2×5 = 10, 12.5%। तो कौन सा डी ऑप्शन अपना मैच कर गया? डी ऑप्शन अपना मैच कर गया।
आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने दर ज्ञात करना है। देखिए, स्वयं की दोगुनी, दोगुनी मतलब बस एक रुपया है, एक से कितना बन रहा, 2 रुपये बन रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये मिला आपको, कितना मिला, 1 रुपये मिला। अब आपको निकालनी है दर, तो दर बराबर ब्याज 1 रुपया है, और ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन आपका 1 रुपया, और समय इसका है 12 वर्ष। 4 से काटें, 4 2 8, 4 5 20, 4 3 12, 25/3, 25 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 8 24, तो 8 से 1/3% उसकी दर आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन पर मैच कर गया, 8 से 1/3%। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16,000 रुपये का 10% दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर छमाही, ब्याज की दर छमाही कितनी दी है, छमाही। अब दोस्तों बता दूं आपको कि जब दर छमाही हो तब दर आधी और समय दुगना होगा। दर आधी यानी कि दर जो अपनी आर है इसके बटा 2 होगा, यानी कि दर 10% है तो बटा 2 होगा, यानी कि 5% आपकी दर हो जाएगी, और समय एन इंटू 2, तो 1 वर्ष है इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष से दुगुना 2 वर्ष हो जाएगा, और दर आपकी आधी हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो देखिए कागज लेना पड़ेगा, जगह नहीं। देखिए नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंटेसी में। अब आपके पास दर 5% है, देखिए 5% यानी कि 5/100, तो 5 से काटा, 5 2 10 यानी कि 1/20, तो 1/20 का मतलब क्या होता है कि 20 पर 1 रुपया ब्याज, तो 20 मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज जोड़ के 21 आपका मिश्रधन हो जाएगा, 21 आपका मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, 5% दर से 5/100, और 5 से काटा, 5 5 2 10, तो 1/20 यानी कि 20 रुपये मूलधन है तो 21 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए 20 मूलधन है तो मिश्रधन 21 रुपये है। अब कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो देखिए 20 मूलधन फिर 21 रुपये आपका मिश्रधन, अब इनका गुणा कर लो, तो 21 21, 441, इनका गुणा करें तो 20 20, 400। अब इसको माइनस कर दो, घटा दो, तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, 441 में से ये माइनस करेंगे है ना, तो ब्याज कितना आएगा, 41 रुपये आ जाएगा, ब्याज कितना आएगा आपका, 41 रुपये आ गया। अब यहाँ तो ये ब्याज आया आपका 400 रुपये पे आया। अब आपका मूलधन कितना है दोस्तों, 16,000 रुपये, कितना है, 16,000 रुपये मूलधन आपका है ना, और यह मूलधन कितना आपका, 400 रुपये। तो इस मूलधन में आपको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने गुना करना पड़ेगा, 40 से, तो 40 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो,
तभी तो बराबर होगा। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक कितना होगा, 16 हो जाएगा, और 3 सी पर यहाँ पे लग जाएगी, ये 16,000 आपका मूलधन हो गया। तो अब जो ब्याज 41 रुपये आया, इसमें आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी पर तो आपकी पहले आ गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 1640 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, है ना, 1640 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, टी ऑप्शन मैच कर रही है, 1640 रुपये आपका आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। इसकी चार्ट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप यहाँ से, ये इस तरीके से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 1,25,000 रुपये का 8% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर तिमाही। अब तिमाही दिए, देखो ये है 12 वर्ष, हर 3 महीने में ब्याज, 3 महीने में ब्याज, फिर अगला 3 महीने में ब्याज, फिर अगला 3 महीने में ब्याज, अगला 3 महीने में ब्याज, कितनी बार ब्याज लगेगा, 4 बार ब्याज लगेगा, 1, 2, 3, 4 बार ब्याज लगेगा, तब 12 वर्ष पूरा होगा ना। ब्याज कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा, 1, 2, 3, 4 बार ब्याज लगेगा, तब 12 वर्ष यानी कि 1 साल पूरा होगा। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हर 3 महीने, माहिक तिमाही का हर 3 महीने में एक ब्याज, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 3 महीने, तो 4 बार अगर ब्याज लेंगे तब जाके इसका, हर 3-3 महीने में ब्याज लेंगे तो 12 महीने पूरा होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो इसने आपको समय दिया, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, 9 माह इंटू 4 का मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36 माह, और 36 माह बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह जो आपकी दर है 8% है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 बार भाग लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8, 2% आपकी दर हो जाएगी। तो ये आपका दर होगा, ये आपका समय होगा। अब क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, आइए दोस्तों देखते हैं। तो 2% दर और 3 वर्ष, ठीक है, इससे निकालेंगे। देखिए जब दर 2% हो तो 2/100, 2 से काटें, 2 पंजे 10, यानी कि 1/50, तो 1/50 यानी कि 50 पर 1 रुपये का ब्याज, तो 50 रुपये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना होगा, 51 रुपये हो जाएगा, कितना रुपये, 51 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पहले अपने इसी तरीके से सॉल्व किया। अब आपको 50 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन 51 रुपये, फिर 50 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन 51 रुपये, इसमें आपको 3 वर्ष तक निकालना है, कितने वर्ष निकालना है, 3 वर्ष तक निकालना है, है ना। फिर 50 मूलधन है तो मिश्रधन 51 रुपये। अब आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो 5 5 25 5 125, और 1 2 3 सी पर यहाँ पे लग जाएगी, तो 1,25,000, ये तो आपको पूरा मूलधन आ गया। तो इसे निकाले, देखो 51 में 51 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 एकम 5 और 5 5 25, 1 5 0 6 और 2, सी पर चला 1 5 6 2, 2601, 51 और बचे हैं, तो 1
0 26 1 है ना। फिर 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 और 5 36 किसी पर असल 3, 10 3 13, तो 1 5 6 2 3 1, तो ये आपका मिश्रण आएगा यहाँ पे 132,651। इसको माइनस कर दो है ना, क्योंकि ये तो आपको मूलधन तो पूरा आ ही गया, तो इसको इसको माइनस कर दे है ना, मूलधन में कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 125,000 माइनस करते हैं, तो 1 5 6 और 12 में से 5 के तो 7, 7,651। ब्याज कितना आया 7,651। देखते हैं, देखिए किस ऑप्शन में आ रहा 7,651। सी ऑप्शन अपना मैच कर गया, 7,651 सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। तो आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।